क्या बोल के पैसा लिया गया आपसे? पढ़ाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे करके वो पढ़ाई में दम है ही नहीं है, ना कुछ भेज रहे, ना बच्चों को पैसा लेने के बाद पूछ भी नहीं रहे। पवित्र नगरी अमरकंटक में इन दिनों छात्रों से पढ़ाई तथा नौकरी के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा पैसा लिया जा रहा है और बताया जाता है कि ड्यूसॉफ्ट नाम से कोई कंपनी है जो कि छात्रों के स्किल डेवलपमेंट तथा अन्य शिक्षा संबंधी में कार्य करता है, किंतु अमरकंटक के आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर आज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ितों ने बताया कि बच्चों से पढ़ाई के नाम पर पैसा लिया जाता है, जिसमें कई परिवारों से पैसा लिया गया है, किसी से 10,000 रुपये तो किसी से 5,000 रुपये लिए गए हैं। वहीं एक छात्र संजय कुमार ने बताया कि मैंने पैसा इसलिए दिया क्योंकि जिन्होंने पैसा लिया वह मेरी सीनियर हैं, इसलिए मुझे भरोसा था। देखिए मध्य प्रदेश क्राइम रिपोर्टर माखनदास पड़वार की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये जो गार्जियंस हैं, जो इनके नाम से जो है पढ़ाई के नाम से किसी ने इनसे पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं गार्जियन से। क्या नाम है आपका? सरोज। हाँ, तो किसको पैसा दिए? सर को दिए। कौन सर को? सर गए थे, 1,000 दिए हैं, 10,000 मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए भाई। हाँ, 10,000। क्या बोल के पैसा लिया गया आपसे? पढ़ाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे करके वो पढ़ाई में दम है ही नहीं है, ना कुछ भेज रहे, ना बच्चों को पैसा लेने के बाद कुछ भी नहीं रहे। और बेटा आपका? अच्छा, कितना पैसा दिए? 10,000। क्यों दिए पैसा? मेरी बात बताई थी सर कि इसमें पढ़ाई होता है, बहन कर रही है तो भरोसा रहा मेरे को कि ये कर रही है, मेरी सीनियर रही 12वीं में। अच्छा, ये कर रही है, जरूरी सही बात होगा। हाँ हाँ, भरोसा दे दिए। तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ आपको? नहीं। कुछ फायदा हो रहा है उस पैसा जमा करने के बाद में? नहीं, नहीं हो रहा है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है बताइए, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हमसे पैसे ले लिया, हमने वो पैसा रिटर्न किया और हमें कोई जरूरत नहीं। एजुकेशन के नाम पे बच्चों से पैसा लिया गया? जी, उनसे ये बोला गया था कि मतलब तुम 2500 पर महीने कमाओगे। अच्छा, पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे, पढ़ाई कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, अच्छा, पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है मैम, आप बताइए आपका नाम? नीतू राधे। अच्छा, क्या? अरे हमको कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ बच्चों को पैसा चाहिए, बस हो गया। और कितना बच्चे पैसा दे चुके हैं अभी तक? 16,000 दे चुके हैं। दो बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, आप दस दिन से तैयार हो? हाँ हाँ, मेरी लड़की है छोटी पास है वो। हाँ हाँ, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके। हाँ, और मतलब मोबाइल से बात करता तो पैसा दे दिए 10,000। और उसमें आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, तो हम चाहते हैं हमारा पैसा रिटर्न कर दो, बस हो गया भाई, हमारा पैसा दे दें, बस हो गया, हम कुछ नहीं आ रहे। करीब कितने लोगों का आपके मोहल्ले से लिया? हमारे मोहल्ले से 5 लोग। अच्छा, अरे तो कई लोग नहीं वापस करना चाहते, नहीं लेना चाहते, वो ना लें, लेकिन हम लोग वापस ही लेना चाहते हैं। और लोग आए नहीं है ना अभी, उनको जानकारी नहीं घुस पा रही। आपका नाम क्या दी? और कैसा, क्या आप लोगों को एजुकेशन के नाम पे पैसे कुछ लिए गए थे और उसमें आपको कुछ सेटिस्फेक्शन है? नहीं है, तो आप अपना पैसा वापस लेना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक। आपका सब नाम? अच्छा, तो आपका भी वही एजुकेशन मैटर है, तो कितने पैसे आपने दिए हैं? 10,000 दिए हैं, जिसमें कुछ भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आपको फर्जी समझ में आ रहा है? ठीक है, आप अपना रिफंडेबल लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने वाइट में कह रहे हैं कि हम रिफंड नहीं करते, हमारे में केवल लेने का है, देने का वापस नहीं है। वैसे में आप लोग क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे, थाना में कंप्लेन करेंगे। पुलिस वालों के ऊपर आपको पूर्णतः विश्वास है ना? जी, ठीक, थैंक यू।